गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, हम मॉल कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पीछे वाली वीडियो में भी हमने मॉल कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है? तो मैंने तुम्हें बताया था वन मॉल मीन्स, एक मॉल का मीनिंग क्या था। मैंने कहा था वन मॉल मीन्स 6.022 × 10³³ पार्टिकल्स। ये हमारा किसके इक्वल था? वन मॉल के इक्वल था, ठीक है? जैसे अब बेटा देखो, मैं बात करूं एटम की, तो हमने पढ़ा था इन केस ऑफ एटम, इन केस ऑफ एटम। एटम मीन्स बेटा, जैसे मैंने कहा सोडियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ये क्या है? एटम है। तो वन मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे? 6.022 × 10³ एटम्स। और उसको हम क्या बोलते हैं? किसके इक्वल होगा वो? ग्राम एटॉमिक मास के। किसके इक्वल होगा? ग्राम एटॉमिक मास के। अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मीन्स H2O, NH3, CO2, ये हमारे क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में क्या होगा? वन मोल जो होगा, इट विल इक्वल टू 6.022 × 10³ मोलिक्यूल, या किसके इक्वल होगा बेटा? ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या था? व्हेन मोलिकुलर मास ऑफ द स्पीसीज इज रिटन इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो हम क्या बोल रहे थे? ग्राम मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? वी कैन कैलकुलेट मोलिकुलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट, ठीक है? अब हम बात करेंगे किसकी, कि भाई कि मोल और मोलर वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। तो हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोल एंड मोलर वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन मोल एंड मोलर वॉल्यूम, ठीक है बेटा? तो हम गैस की बात करेंगे, क्या इन केस ऑफ गैस, कि गैस के केस में क्या होता है बेटा? गैस के केस में वन मोल किसके इक्वल होगा? वन मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। और कोई भी गैस होगी वो वन मोल पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो क्या होता है? 22.4 लीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। एंड दिस वॉल्यूम इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इस पे मेजर किया जाएगा बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस बेटा व्हेन टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमोस्फेयर, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं फॉर ऑल गैसेस वॉल्यूम ऑफ वन मोल, फॉर ऑल गैसेस वॉल्यूम ऑफ वन मोल किसके इक्वल आएगा बेटा? 22.4 लीटर के। सभी गैसेस का वॉल्यूम जो होगा एक मोल का, वो किसके इक्वल आएगा? 22.4 लीटर। बेटा कोई भी गैस हो वो स्टैंडर्ड कंडीशन और टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। अगर एमएल में कहेंगे तो कितना ऑक्यूपाई करेगी? 22,400 ml, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, अब इसके केस में मोल कंसेप्ट में फॉर्मूला, कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे, तब हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला, ठीक है? तो फर्स्ट देखो, अगर हम बात करें इन केस ऑफ एटॉमिक मास, इन केस ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस, हमारे पास कैसा सब्सटेंस है? एटॉमिक मींस एटम्स है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो एटॉमिक सब्सटेंस में बेटा नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। क्या यूज करेंगे? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है? अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, क्या है? मॉलिक्यूलर। तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का जो हम मास निकालते हैं वो किसमें निकालेंगे बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है? अब देखो बेटा, अगर हमारे पास गैसियस सब्सटेंस है, क्या है? गैसियस सब्सटेंस। तो गैसियस सब्सटेंस है
कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। कितना ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इन लीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वो कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है बेटा। इन केस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन केस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके इक्वल आएगा बेटा? एन अपॉन एन ए। एन तो क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एन ए इज हेयर एवोगैड्रो नंबर। एन ए क्या है बेटा? एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10³। तो देखो, मोल कंसेप्ट में मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हें एटॉमिक सब्सटेंस दिया और उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? व्हेन एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन ग्राम, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम एटॉमिक मास। अगर हमें मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो क्या बोलेंगे हम उसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर गैसियस सब्सटेंस है तो कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम। तो उसके केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इन लीटर अपॉन 22.4। ओके, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा? एन अपॉन एन ए। और एन ए यहाँ पे क्या है? एवोगैड्रो नंबर। क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से देखो बेटा, इन शॉर्ट हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हम कहेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा हमारे पास, अगर हमें सब्सटेंस में वेट दिया तो हम क्या यूज करेंगे? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी पे तो वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो एन बाय एन ए। बेटा ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इस पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बहुत सिंपल है। ठीक है, ध्यान से देखना, इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लोगे तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी तुम्हारे हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें कहा कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4। अब H2SO4 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा? क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स का देखो बेटा, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो क्या फॉर्मूला बताया था? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मोलिकुलर मास किसके, ग्राम मोलिकुलर मास क्या था? व्हेन मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो उसको ग्राम मोलिकुलर मास बोलते थे। और मोलिकुलर मास कैसे निकालते थे? मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था मोलिकुलर मास क्या होता है बेटा? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। तो हमारे पास H2SO4 है भाई, कितने H2 में देखो कितने हाइड्रोजन? दो। एक हाइड्रोजन का एक। सल्फर कितना? एक। कितने सल्फर का? 32। एक ऑक्सीजन कितने? चार। एक ऑक्सीजन का 16। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 98 ग्राम। ठीक है, गिवन मास मीन्स हमें क्वेश्चन में दे रखे कितना? 392। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना है? 392। और ग्राम मोलिकुलर मास कितना है? 98। तो ये कितना आएगा? 4 मोल्स। क्या आएगा? 4 मोल्स। ठीक है बेटा, आगे देखो, मैंने कहा तुम्हें कैलकुलेट The number of moles, calculate the number of moles in 44.8 liter of carbon dioxide, carbon dioxide at STP। अब यहां बेटा STP means
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कहेंगे तो 298 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 1 एटमोस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का कहाँ पे, एसटीपी पे। तो फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा वॉल्यूम इन लीटर, कितना दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का 44.8 अपॉन 22.4। तो यहां से कितने मोल्स आएंगे बेटा, 2 मोल्स, कितने मोल्स आएंगे 2 मोल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, मैंने कहा बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन 15 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो यहां देखो बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, एक बार ध्यान से देखना, दो वे से बताऊंगी मैं, जो वे तुम्हें अच्छा लगे वो प्रीफर करना तुम। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने के बाद हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां देखो बेटा तुम्हें क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है किसका, Na2CO3 का। तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, यहां देखो नंबर ऑफ मोल्स, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन में ग्राम मोलिकुलर मास। तो वेट कितना है 53, ग्राम मोलिकुलर मास कैसे निकालते हो, तो ये क्या होता है बेटा, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एलिमेंट, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एलिमेंट। तो सोडियम कितने हैं 2, एक सोडियम का 23 प्लस कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है 3, तो ये कितना आएगा बेटा, ऐड करो 106, तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो गया 106, तो यहां से क्या आएगा 1/2, तो कितने मोल्स आ गए 0.5 मोल, कितने आ गए 0.5 मोल। अब हमें ये पता है कि 1 मोल ऑफ Na2CO3, 1 मोल Na2CO3 में कितने मोलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10³³ मोलिक्यूल होंगे बेटा। ये बात तो मैंने तुम्हें मोल कंसेप्ट में बताई थी, तो यहां देखो 1 मोल के अंदर इतने क्या हो गए, मोलिक्यूल हो गए। तो 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 में कितने मोलिक्यूल्स होंगे, तो क्या आएगा 6.022 × 10³³ / 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, देन इट विल कम्स आउट टू बी 3.011 × 10³³ मोलिक्यूल। मोलिक्यूल निकाल दिया हमने, यस और नो। अब देखो, अब मोलिक्यूल से एटम निकालेंगे बेटा, तो यहां देखो हमारे पास क्या है, 1 मोलिक्यूल ऑफ Na2CO3, तो 1 मोलिक्यूल ऑफ Na2CO3 में क्या है बेटा, 2 सोडियम 1 कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन, यस और नो। तो अब क्या कहेंगे कि हमारे पास 1 मोलिक्यूल है किसका, Na2CO3 का, तो 1 मोलिक्यूल में कितने एटम है सोडियम के, 2 एटम। अब निकालने कितने में है, 3.011 × 10³³ मोलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, ये हमें निकालना है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 1 मोलिक्यूल में 2 है, तो 1 में क्या होंगे 2/1, निकालने कितने में है 3.011 × 10³। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.022 × 10³³। तो ये हमने किसके निकाल दिए, एटम्स सोडियम के, किसके सोडियम के। अब हम किसके निकालेंगे बेटा, ऑक्सीजन के, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ Na2CO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है बेटा, 3, तो 1 में कितने होंगे 3/1, और निकालने कितने मोलिक्यूल में है 3.011 × 10³³। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.033 × 10³³ एटम्स। फिर क्या निकालने हैं,
कार्बन के एटम तो हम कहेंगे एक मोल ऑफ Na2CO3 में कितना कार्बन का एटम है, एक, तो बेटा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 में क्या होगा, 1/1 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। देखो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे तो, और हमें क्या लिखा था, वेट, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उससे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स बाय अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड। देखो इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें एक दूसरे वे से करवा रही हूँ बेटा, ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन है और इसमें मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रही हूँ कि हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, अगर तुम देखो इन शॉर्ट तुम क्या यूज कर सकते हो, हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। अगर कहीं पे भी भाई तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो ना, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्या, मोल इंटू Na इंटू एटम, मोल इंटू Na इंटू एटम। अब यहां पे पूछा था नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब यहां देखो Na2CO3 इसके अंदर क्या है बेटा, टू सोडियम एटम, 1 कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम, यस और नो। तो यहां से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कैसे निकालोगे, मोल कैसे निकालेंगे बेटा, क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है तो मोल निकालने का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वेट अपॉन मोलकुलर वेट, तो 53 मोलकुलर वेट कितना आएगा, 106, Na इज एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कितने एटम है सोडियम के, 2 है बेटा, तो यहां से देखो आंसर क्या आया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। ओके अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सेम फॉर्मूला क्या, मोल कितने, 53 अपॉन 106 इंटू Na बेटा एवोगैड्रो नंबर इंटू एटम्स, कितने ऑक्सीजन के, 3 एटम, यस और नो, तो ये क्या आएगा, 3.011, तो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.033 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, मोल्स बेटा वही, वेट अपॉन मोलकुलर वेट इंटू Na, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कितने एटम है कार्बन के, 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3.011 इंटू 10 की पावर 23। देखो बेटा चाहे तुम ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों में हमारे आंसर सेम आएंगे। ओके तो इस न्यूमेरिकल को मैंने तुम्हें दो वे से करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 350 सेंटीमीटर ऑफ CO2 एट 273 केल्विन एंड 2 एटमोस्फेयर प्रेशर। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तुम कहोगे मैडम हमें वॉल्यूम दे रखा है कितना, 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तुम कहोगे वॉल्यूम दे रखा है मैडम 350 ml, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। लेकिन बेटा वो फॉर्मूला कब लगेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तब हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या था, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो यहां देखो कंडीशन नहीं है स्टैंडर्ड, तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या कहेंगे, यहां पे हमें P1 कितना दे रखा है बेटा, गीवन, क्या लिख रहे हैं, गीवन, गीवन क्या है बेटा, प्रेशर 2 एटमोस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 350 ml, और टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई, टेम्परेचर हमें दे रखा है 298 केल्विन। स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं ना, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा, 298 केल्विन मान लो। ओके और बेटा एसटीपी कंडीशन पे
प्रेशर पी टू मान लो कितना होता है 1 एटमोस्फेयर, वी टू हम निकाल लेंगे। अब बेटा देखो अगर एसटीपी कंडीशन पे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हम डायरेक्ट एसटीपी में वॉल्यूम आ गया, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकाल देंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेंगे वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। भाई पहले वॉल्यूम तो निकाले, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, सेम गैस है तो एन की वैल्यू क्या होगी सेम, तो पी वन वी वन आर आर भी सेम होता है टी वन, और पी टू वी टू इज इक्वल टू एन आर टी टू, ये कैंसिल, तो यहां से हम क्या लिख देंगे पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू। ओके अब पी वन कितना है 2, वी वन कितना है 350 और टी वन 2798 केल्विन, पी टू कितना है बेटा 1 एटमोस्फेयर, वी टू निकालना है और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहां से हमारे पास वी टू कितना आ जाएगा, वी टू आएगा बेटा 700 ml। अब इस ml को किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में, तो क्या कर दोगे बेटा 1000 से डिवाइड, तो यहां से वी टू क्या आएगा 0.700 liter। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा वॉल्यूम इन लीटर कितना है 0.700 upon 22.4। अब इसको सोल्व करके हम क्या निकाल देंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गलती से तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करना, हमारा ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 ये तभी वैलिड होगा तब हमें स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी हो। थैंक यू।